हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टू प्रोनाउंस। लेट्स लर्न प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन कैन फंक्शन एग्जैक्टली लाइक द नाउन। ओके, प्रोनाउन वहाँ पे यूज होता है नाउन की जगह पे और एक फंक्शन एग्जैक्टली नाउन की तरह ही करता है। इट रिप्लेसेस और रिप्लेस भी कर सकता है ये नाउन को। ओके, प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज हो सकता है। बिसाइड्स नाउन, अ प्रोनाउन कैन ऑल्सो भी यूज टू रिप्लेस एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अनदर प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अनदर प्रोनाउन के जगह पे भी यूज हो सकता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस आर, सबसे कॉमन प्रोनाउंस जो होते हैं वो है ही, शी, दे, इट, वी एंड हु। लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल। ओके, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव इन एम्फेसाइजिंग, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पोसेसिव, रिलेटिव। ओके, तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सर्टन पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स। पर्सनल प्रोनाउंस एसोसिएट होते हैं किसी भी ग्रुप से, किसी भी ग्रुप्स ऑफ पीपल से और चीज़ों से, थिंग्स से। We use I, you, he, she, it, we, they when a pronoun is subject. Pronoun जब subject होता है तो हम use करते हैं I, you, he, she, it, we and they. Pronoun जब object होता है तो हम use करते हैं me, you, him, her, it, us, them. For example, she is a new student. Rahul is participating in the competition with me. Personal pronouns are primarily associated with three persons, so they are classified as personal pronouns. तीन person से related है, पर primarily associated है, मतलब जुड़े हुए हैं तीन लोगों से। कौन से personal pronouns? Okay, so these कौन से associated है? First person, second person, and third person. First person में आता है I and we. Okay. सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ओके, पहले जगह पे हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं आई एंड वी, सो दिस इज पर्सनल प्रोनाउंस। सेकेंड सामने वाला जो पर्सन है उसकी बात हो रही होती है यू, और थर्ड पर्सन हम तीसरी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, जैसे कि ही, शी, इट, दे। रिफ्लेक्सिव इन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड होते हैं सेल्फ या सेल्व्स, सेल्फ्स पे। दे आर यूज एज रिसीवर्स ऑफ एक्शंस। वो यूज होते हैं एक्शंस का रिसीव होने पर, एंड एज इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड दे रिफर टू द सेम पर्सन एज अ सब्जेक्ट। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस आर द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दे आर यूज टू कन्वे एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स की मदद से हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ? ओके, तुमने अपने आप को तकलीफ कैसे पहुँचाई? सो दिस इज तुमने अपने आप को, ओके, या खुद सामने वाला पर्सन अपने ऊपर ही कुछ कर रहा है तो एक्शन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, सामने वाला पर्सन की बात हो रही है, एक्शन भी उसकी बारे में ही बात हो रही है, एक्शन भी वही कर रहा है, बात भी उसके बारे में ही हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। डॉक्टर हिमसेल्फ टुक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर खुद ही पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गया, तो दिस इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। एक्शन भी वही कर रहा है और यहाँ पे डॉक्टर हिमसेल्फ टुक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे एक्शन भी वही कर रहा है और वहाँ पे दूसरा पर्सन भी है, पेशेंट। ओके, पेशेंट को लेके जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे तो वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू वन और मोर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स इन अ जनरल वे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक से ज़्यादा जगह पे या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होती है, तो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ होगा। दे डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस। किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही होती, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या एक से ज़्यादा जगहों के बारे में बात हो रही होती है। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट रिमेंबर दैट प्राइड कम्स बिफोर ऑफ ऑल, एवरी वन वॉज सरप्राइज बाई हिज अनटाइमली अपियरेंस। सबके सब हैरान हो गए उसके अनटाइमली अपियरेंस से, उसके अचानक से एंट्री करने से सबके सब हैरान हो गए। ओके, सो सबके सब यहाँ पे लिखा है एवरी वन। ओके, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सबके बारे में बात हो रही, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर टू पीपल और थिंग्स टेकन अ सिंगल और इन अ ग्रुप एट अ टाइम। एक टाइम के अंदर एक किसी ग्रुप के बारे में या एक किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होती है तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गया है। जैसे कि ऑल, ईच, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द गर्ल्स आर फॉर्स प्रेजेंट ऑन द ओकेशन। किसी भी, कोई भी गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी उस ओकेशन के ऊपर, कोई भी गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, मतलब गर्ल्स के ग्रुप है ना, गर्ल्स एक ग्रुप है, तो उस कोई भी गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गया। ऑल ऑफ यू वर गिवन ब्लैंकेट्स ऑन दिवाली। सामने कुछ ग्रुप्स हैं तो उनके बारे में ये बोल रहा है, जो पर्सन है जो बोल रहा है कि तुम सब
को ब्लैंकेट्स दिए गए थे दिवाली के अंदर, तो तुम सब मतलब सामने कोई ग्रुप है, ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम स्पेसिफिक थिंग्स विद इन सेंटेंसेस. किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स पॉइंट आउट हो रही होती है, कोई भी एक चीज़ पॉइंट आउट हो रही होती है उस सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस को हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज दैट दिस एंड तोस टेक प्रेजेंट नाउंस ऑफ क्रिसेस. फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट समथिंग आई वांटेड, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड, ओके, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता था, ओके. थॉट दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान टू मी, ये साउंड करता है एक अच्छा प्लान मेरे लिए, ओके. ये मतलब यहाँ पे किसी प्लान के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया. पॉइंट आउट हो रहा है ना, कोई प्लान पॉइंट आउट हो रहा है, इसमें कोई चीज़ पॉइंट आउट हो रही है, जैसे कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांटेड, ये मैं जो चाहता नहीं था ये वो नहीं है, ओके. तो ये कोई चीज़ पॉइंट आउट हो रही है इसके अंदर, तो ये क्या होगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया. दोज आर नॉट माई क्लोथ्स, ये मेरे क्लोथ्स नहीं है, तो ये मेरे क्लोथ्स नहीं है, तो मतलब उसके जो क्लोथ्स के बारे में बात हो रही है, ओके, तो दिस इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस वेयर द शूज़ आई लुकिंग फॉर, ये वही शूज़ है जो मैं चाहता था. सो यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर वो जो चाहता है, वो जो शूज़ चाहता है, उसके दिमाग के अंदर जो शूज़ है वो पर्टिकुलर है, राइट. सो ये सारे एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर वो होता है जिसके अंदर हम किसी पर्सन को क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट आर, व्हाट आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. हम किसी पर्सन को या किसी को भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा. एग्जाम्पल्स हैं, हु इज़ इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में कौन है. Whom did you give the packets? तुमने किस तुम्हें packets किसने दिए. Who's in this pan? ये pan किसकी है. So this interrogative pronouns, okay, ये questions पूछे जा रहे हैं. Possessive pronouns, possessive pronouns show ownership of something or someone. किसी भी चीज़ की ownership बता रहा होता है वो sentence, तो उसे हम possessive pronouns बोलेंगे. They are often used in place of noun phrases. For example, mother has bought new dresses. This is mine and that is yours. Mother ने हमारे लिए new dresses खरीदे हैं, ये मेरा है और ये आपका है, okay? तो यहाँ पे किसी पर्सन की ऑनरशिप दिखाई जा रही है ना, तो ये मदर ऑनर है यहाँ पे, तो मदर ने खरीदे, खरीदे किसने, मदर ने. लेकिन यहाँ पे बात कौन कर रहा है, दिस इज़ माइन एंड दैट इज़ योर, मेरे और तुम्हारे ड्रेस मम्मी ने खरीदे हैं, तो ये ऑनर कौन कहलाएगा, मम्मी कहलाएगी ना, उन्होंने खरीदे, तो ऑनरशिप बताई जाती है उस सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउंस बोलेंगे. हिज ड्राॅइंग इज़ बेटर देन हर्स, उसकी ड्राॅइंग बेटर है उससे. रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर टू नाउंस मैंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज. सेंटेंसेज के बिगिनिंग के अंदर ही कुछ नाउंस हमें मैंशन किए जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस. दे आर यूज टू जॉइन फ्रेसेस और क्लोजेस टू अदर सेंटेंसेज. ये यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस के बीच में. याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउंस कहाँ पर यूज़ होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में. इसके एग्जाम्पल्स हैं, हुम एंड हु आर यूज ओनली यूज फॉर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं, द ग्रेट लीडर हुम वी ऑल लव इज़ इनॉग्रेटिंग द सेरेमनी. सेरेमनी को इनॉग्रेट कौन कर रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा लीडर है, ओके. तो बीच में उसके बारे में बात हो रही है, द ग्रेट लीडर हुम वी ऑल लव, हम जिसको बहुत प्यार करते हैं वही सेरेमनी को इनॉग्रेट कर रहा है, जो बहुत बड़ा लीडर है, तो बीच में आ रहा है, बराबर, हुम बीच में आ रहा है. सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउंस. हियर द रिलेटिव प्रोनाउन हुम इज़ यूज एन ऑब्जेक्ट. गर्ल हु ब्रोक द रिकॉर्ड इज माय बेस्ट फ्रेंड. हियर द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट. द गर्ल हु ब्रोक द रिकॉर्ड इज माय बेस्ट फ्रेंड. जिस गर्ल मेरी फ्रेंड जो है उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो एक लड़की है. द गर्ल हु ब्रोक द रिकॉर्ड इज माय बेस्ट फ्रेंड. हु बीच में आ रहा है, ओके, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. हु इज यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हुज इज यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स हुज वर्क वॉज इनकम्प्लीट हैड टू साइन अ नोट. The chair whose leg was broken had been bought at a sale. Okay, so this is all examples of relative pronouns जो बीच में होते हैं noun और pronoun के बीच में. So all was complete. Chapter is finished. Already I have given you PDF file of this exercises. Okay, so chapter is finished.